केंद्र सरकार द्वारा सेना में 4 साल की भर्ती के लिए घोषित की गई अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है। अग्निवारियों को यूपी सरकार पुलिस व अन्य सेवाओं में वीरता दिखाई। मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि युवा किसी भी बहकावे में न आए। अग्निपथ योजना युवाओं के जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। उन्होंने ट्वीट किया कि युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नया आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में ना आए। मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्रीय की अमूल्य निधि होने वे उत्तर प्रदेश सरकार अग्निवारियों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वीरता देगी। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सेना में काफी लंबे समय तक भर्ती लंबित रखने के बाद अब केंद्र के 4 वर्ष की अवधि वाली अग्निवीर नई भर्ती योजना घोषित की है। उसको लुभावना व लाभवती बताने के बावजूद देश का युवा वर्ग असंतुष्ट एवं आक्रोशित है। मायावती ने कहा कि युवाओं का मानना है कि सेना व सरकारी नौकरी में पेंशन लाभ आदि को समाप्त करने के लिए सरकार जवानों में भर्ती की संख्या को कमी के साथ साथ मात्र 4 साल के लिए सीमित कर रही है, जो घोर अनुचित तथा गरीब व ग्रामीण युवाओं व उनके परिवार भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि देश में लोग पहले ही बढ़ती गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की गलत नीतियों व अहंकारी कार्यशैली दुखी वे व्रस्त हैं। मायावती ने यह कहकर सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डाला। ऐसे में सेना की नई भर्ती को लेकर युवा वर्ग में फैली बेचैनी अब निराशा उत्पन्न कर रही है। सरकार तुरंत अपने फैसले पर पूर्ण विचार कर ले। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस योजना का विरोध किया और निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डाला कि ये युवाओं व देश के भविष्य के लिए घातक साबित होगा। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध तेज होता जा रहा है। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, ट्रेनें जलाई जा रही हैं।